हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडिंग टिप्स का, क्या आगे सिनेरियो क्या चल रहा है, वो बैक फिर से आने वाली है नहीं आने वाली, सभी के बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा अभी कि क्या क्या चल रहा है फंडिंग टिप्स के साथ, ये सब क्या हो रहा है, बाकी अदर प्रॉफर्म के साथ भी ये हो रहा है। सिर्फ ऐसे एक फंडिंग टिप्स प्रॉफर्म नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है, सभी अदर अलग जो प्रॉफर्म्स है उनके साथ भी ये सेम सिनेरियो हो रहा है। तो ये क्यों रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन बात करते हैं कि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि फंडिंग टिप्स के साथ क्या हो रहा है, उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि एक अनाउंसमेंट नहीं आई थी डायरेक्ट क्लियर, जो फंडिंग पिप्स की तरफ से अनाउंसमेंट थी वो नहीं आई थी। तो उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो जो फंडिंग पिप्स में थे उसके लिए गुड न्यूज़ क्या है, कि उनके अगर जो भी कोई फंडेड होगा उनके वहाँ पे प्रॉफिट्स अटके हैं या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जिन्होंने अकाउंट पास कर लिया, जो चैलेंज फेज में थे, उन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको क्लियर डिटेल पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पे अभी चल रहा है फंडिंग पिप्स में, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यहाँ पे मैं फॉरेक्स से रिलेटेड और प्रॉफर्म से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसकी फंडिंग पिप्स से बहुत से लोग, मैं खुद भी ट्रेड कर रहा था, मेरे भी ट्रेड रनिंग थे, तो ऑटोमेटिकली वहां से ट्रेड गायब हो गए, वहां पे ट्रेड नहीं हो रहे थे एग्जीक्यूट। और बाद में देखा तो फंडिंग पिप्स का जो ब्रोकर है ब्लैक बुल मार्केट, वही MT5 से डीलिस्ट हो गया था, मतलब वहां पे हमें दिख ही नहीं रहा था कि ब्लैक बुल मार्केट वहां पे है। तो ये सब क्यों हो रहा था, इसके पीछे का सबसे मेन कारण है US के क्लाइंट्स। तो सबसे पहले US के क्लाइंट्स इसके बारे में क्यों मैंने उसके बारे में बात करते कि शायद कि US में कुछ ऐसे रेगुलेशंस है उसकी वजह से आप इस पे प्रॉफर्म में ट्रेड नहीं कर पाते, इसकी वजह से मेटा ट्रेडर पे जो मेटा कोट्स होता है, मेटा कोट एक प्लेटफॉर्म है, वही से सभी को ब्रोकर के लाइसेंस मिलते हैं। तो ये जो ब्लैक बुल मार्केट हो गया, थिंक मार्केट हो गया, इटकैप हो गया, ये सभी ब्रोकर वहां पे लिस्टेड होते हैं। तो इसमें सीन क्या हो रहा है, मेटा कोट्स फोर्स कर रहा है ब्रोकर्स को कि आप जितने भी प्रॉफर्म के अपने जो सर्विस दे रहे हो, प्रॉफर्म्स के अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, वह सभी क्लोज कर दीजिए, प्रॉफर्म्स को किसी के अकाउंट ना दीजिए। तो वो क्यों ना दीजिए, क्योंकि वहां पे US क्लाइंट जो है वो एक्टिव है। तो इसकी वजह से ये सिनेरियो हो चुका है। तो फंडिंग पिप्स के साथ भी वही सेम सिनेरियो हुआ, क्योंकि फंडिंग पिप्स के जो इसमें अकाउंट्स थे वो कुछ US क्लाइंट्स थे एक्टिव, इसकी वजह से वहां पे उन्होंने जो फंडिंग पिप्स को डीलिस्ट करने के लिए बोला था, फंडिंग पिप्स से जो पार्टनरशिप थी वो ब्रेक करने के लिए बोला था ब्लैक बुल को। तो ब्लैक बुल का जो लाइसेंस है वो भी डायरेक्टली चला गया है, ब्लैक बुल का लाइसेंस गया, इसकी वजह से जितना भी उनका अकाउंट थे वो अकाउंट भी डायरेक्टली डीलिस्ट हो गए, और मेटा ट्रेडर से ब्लैक बुल भी डीलिस्ट हो गया, और वहां पे अकाउंट जो भी थे आपके वो अभी एरर दिखा रहे होंगे, लॉगिन नहीं हो रहे होंगे। तो ये सबसे पहला ब्लैक बुल का इसी वजह से सिनेरियो हुआ। तो ब्लैक बुल जैसे ही डीलिस्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली जो आपके ट्रेड्स है वो वहां से चले जाएंगे, क्लोज ही हो जाएंगे, इसकी वजह से फंडिंग पिप्स को भी उसका नुकसान देखना पड़ा। तो उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि फंडिंग पिप्स आगे क्या कर सकती है, फंडिंग पिप्स आगे आने वाली या नहीं आने वाली। तो फंडिंग पिप्स ने अनाउंसमेंट, लाइव अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने डायरेक्टली कि वो 10 डेज लेंगे मैक्सिमम रिटर्न आने के लिए। तो ये 10 डेज में क्या करने वाले वो, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो उनके पास दो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शंस उनके पास क्या क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहला वो मेन आता है कि बाकी के भी जो प्रॉफर्म्स के साथ ये हो रहा है, तो बाकी के प्रॉफर्म्स क्या कर रहे हैं, अपना जो सर्वर है वो पहले ही डाउन होने से, ऐसा कुछ होने से पहले ही वो क्या कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव ब्रोकर जो है वो अपने इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सबसे मेन बड़ा अल्टरनेटिव ब्रोकर कौन है, रेगुलेटेड थिंग्स मार्केट। थिंग्स मार्केट सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रॉफर्म है उसमें मैक्सिमम प्रॉफर्म्स के लिए मैं देख रहा हूँ वो थिंग मार्केट को अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, थिंग मार्केट एक बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं। तो थिंग मार्केट एक काफी रेगुलेटेड ब्रोकर है और सेफ भी है, इसीलिए सभी उसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर फंडिंग पिप्स भी चाहेगा अगर थिंग मार्केट के सर जाना तो एक बेटर प्लान है, थिंग मार्केट के साथ अगर जाएंगे वो तो थिंग मार्केट में भी आपके अकाउंट जो है वो सेफ रहेंगे। तो सबसे पहला हो गया है ऑप्शन नंबर वन की, यही है कि थिंग मार्केट को इनबिल्ड कर दे। उसके बाद आता है सी ट्रेडर और DX ट्रेडर है, इसके पास भी जा सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म को भी वो ऐड कर सकते हैं। तो यही फंडिंग पिप्स का अभी फंडा रहेगा कि 10 डेज में वो पहले उनको इम्प्लीमेंट करेंगे जो अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे तभी उनके लिए फायदा है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, उसको पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके ट्रायल लेंगे पहले कि वो अच्छे से चल रहा है या नहीं। अगर अच्छे से चल रहा होगा तो आपके लिए वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने मैक्स 10 डेज बताया है जो इनके खालिद है, CEO है इसके फंडिंग टिप्स के उन्होंने। तो सबसे मेन पहला हो गया पॉइंट ये। तो अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने जिन जिन के यहाँ पे अकाउंट्स थे उसका क्या होता है। तो देखिए जिन जिन के फंडेड अकाउंट्स थे, जिस जिसने फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट किया है और प्रॉफिट किया है तो उसके बाद उन्होंने पे आउट के लिए रिक्वेस्ट की होगी, तो उन सभी के पे आउट जो है वो फंडिंग पिप्स ने दे दिए, पे आउट सभी के दे दिए। अगर आपको वहां पे ट्रस्ट नहीं, उन्होंने उनका डेटा भी शेयर किया है जिस जिसको उन्होंने पे आउट कितने किए हैं, $800K प्लस उन्होंने पे आउट्स वहां से रिलीज कर दिए। उसकी मैं लिंक डाल दूंगा पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप भी उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। फंडिंग पिप्स अदर प्रॉफर्म जैसी नहीं है,
फंडिंग पिप्स अपने पे आउट दे देती, बाकी के प्रॉफिट ने क्या शट डाउन हुए थोड़ी देर के लिए, लेकिन पे आउट्स उनके स्टक हो गए वहाँ पे, लेकिन इन्होंने सारे पे आउट्स दे दिए, तो ये पे आउट का उन्होंने क्लियर कर दिया। और अकाउंट्स का बाकी समझ लीजिए, जिसका रिसेंटली फंडेड हुआ था, मतलब फंडेड अकाउंट आया नहीं उनके पास या फंडेड अकाउंट की डिटेल्स आए सिर्फ, तो उनका क्या होगा, और जो चैलेंज अकाउंट जिन्होंने पाई किया था उनका, तो चैलेंज अकाउंट और जो जिन्होंने अभी जस्ट पास किया उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जब फंडिंग पिप्स चालू हो जाएगा फिर से, फंडिंग पिप्स में आपको जो आपका नॉर्मल अकाउंट था जो लास्ट ट्रेड होंगे आपके, अगर वो लॉस में होंगे तो वो काउंट नहीं किए जाएंगे, अगर प्रॉफिट में थे तो आपको वो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो लॉस में थे तो वो लॉस में जो ट्रेड थे आपके वो वहाँ पे काउंट नहीं होंगे, तो रिसेट करके उतना ही आपको अकाउंट दे देंगे, जितना आपका लॉस हुआ होगा वो लॉस उसमें कवर करके उतना अकाउंट आपको मिल जाएगा, तो आपको उसके भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाई फंडिंग पिप्स को, क्योंकि मुझे भी ज्यादा ट्रस्ट था, मैंने भी लास्ट वीडियो में भी बोला कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए उनको, ट्रस्ट दिखाइए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनका जो ओनर है खालिद वो भी इतना ट्रांसपेरेंट को ही नहीं होता, किसी भी प्रॉफर्म का ओनर अभी तक मैंने इतना ट्रांसपेरेंट नहीं देखा कि वो ओपनली सभी बातें शेयर करता है कि क्या क्या होता है क्या नहीं, वो सभी बातें शेयर करता है, और कभी अभी तक मैंने देखा नहीं। बहुत से बंदे कमेंट भी कर रहे थे कि फंडिंग पिप्स स्कैमर है, फ्रॉड करके चली गई, ऐसा कुछ नहीं है, वेट करो आराम से आ जाएंगे वो, कि मुझे भी ज़्यादा ट्रस्ट है उन पे कि वो आने ही वाली है 100%, तो वेट करते अभी हम। तो यही था, अगर आपको और कोई कोई क्वेश्चन हो गए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और डायरेक्टली मेरे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो प्रॉफर्म से रिलेटेड, और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो गए दूसरे कोई पूछने फंडिंग टिप्स से रिलेटेड आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई इसके बारे में अपडेट्स होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए बाय। I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in a class and you don't do, yeah. Make a regal, it's the best so you don't lose, yeah. I don't even know the price, it will be bad, yeah. Who be bad in the class and you got go.